गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेमेन में पूछा हुआ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जेमेन 2019 में पूछा गया था और क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में था, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजिशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम इज 5 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर and wavelength used monochromatic light is 6 nanometer, the separation between slit is यानी कि ये है हमारा स्क्रीन, स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी वो हमें दिया हुआ है 1 मीटर, और इसमें जो वेवलेंथ यूज किया गया है ये वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है यानी कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम से 5वां नंबर का जो ब्राइट फ्रिंज है उसका जो डिस्टेंस है कितना है 5 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होता है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डी लैम्डा अपॉन डी। सेंट्रल मैक्सिमम से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का जो है ब्राइट फ्रिंज होता है वो कितना होता है, बीटा होता है। तो हमारे पास कितना है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, कहाँ गया, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि जो 5 बीटा है वो कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 बीटा। मान लीजिए देखिए, ये पहला ब्राइट में होगा बीटा, पहला जैसे जो बीटा होता है ये ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, फिर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, फिर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, इसी तरह से कितना है 5 ब्राइट फ्रिंज है। तो 1 यानी 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल मैक्सिमम से वो 1 बीटा होता है, तो 5 ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा बीच का वो कितना होगा 5 बीटा होगा। 5 बीटा का जो डिस्टेंस वो कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये अगर 5 से 5 कट गया तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 ब्राइट फ्रिंज के जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। और ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग फॉर्मूला अभी तुरंत लिखे हैं, बी इज कल टू बीटा, इज बीटा का वैल्यू कितना आया है 1 सेंटीमीटर, बीटा का वैल्यू कितना लिखा है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी इज कल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलें तो 1/100 मीटर हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू कितना है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को किस में बदल दें मीटर में, 10^-9 मीटर। कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 1 मीटर अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू पता नहीं, यही हमें निकालना है, और इसका वैल्यू है 1/100 मीटर। मीटर से 1 मीटर कटा तो अपने पास कितना बच गया है, यहाँ अगर इनको हम सॉल्व करें तो ऊपर में होगा 6 × 10^-7 × ये 10^2 ऊपर आ जाएगा इसकल टू कैपिटल डी, और इनको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 × 10^-7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा -5 मीटर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट आ जाएगा कितना 60 माइक्रोमीटर। अगर माइक्रोमीटर में निकालेंगे कितना होगा 60 माइक्रोमीटर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 60 माइक्रोमीटर। तो ये क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट निकालना था जो कि बहुत इजी वे में निकल गया, और ये क्वेश्चन जेमेन 2019 में पूछा गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज फिलहाल इतना ही।